करीब करीब 10 साल पहले की बात है। फिल्म मेकिंग पढ़ाई के दिनों में अक्सर ट्रेन से सफर किया करती थी। मुंबई के अलग अलग लोकल रेलवे स्टेशन पर ढेर सारे घंटे भी गुजारे। एक चीज को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ था। A.H. व्हीलर नामक छोटे छोटे बुक स्टॉल कई सारे स्टेशन पर दिखाई देते थे। एक नाम से इतने सारे बुक स्टॉल देखकर लगा कि कोई बड़ी कंपनी होगी, पर बाद में पता चला कि ये तो अंग्रेजों के जमाने का एक बुक स्टॉल चेन है जो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ स्टेशन पर पाए जाते हैं। 1877 के साल में A.H. व्हीलर नाम से पहला बुक स्टॉल आज के प्रयागराज में खोला गया। बाद में जैसे जैसे स्टेशनों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे इनके बुक स्टॉल्स भी बढ़ने लगे। पर आज के ज़माने में किसे क्या पड़ी है जो A.H. व्हीलर के इतिहास को जानने में दिलचस्पी लेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आज A.H. व्हीलर बुक स्टॉल बंद होने की कगार पर है। आज मोबाइल लेकर बैठने वाले बच्चों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, पर 60 और 70 के दशक के उन नौजवान लोगों को A.H. व्हीलर बुक स्टॉल ज़रूर याद होगा, खासकर वे लोग जो कभी लोकल ट्रेन में सफ़र किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अनामिका आज इतनी रहस्यमय बातें क्यों कर रही है। असल में मुझे इस विषय को थोड़ा मरोड़ना है। अब फिर से 10 साल पहले की बात करना चाहूँगी, जब मैं फिल्म मेकिंग कॉलेज में पढ़ रही थी। कोई ट्रेन देरी से आती थी तो मैं खाली समय में उस A.H. व्हीलर बुक स्टॉल के यहाँ जाकर खड़ी हो जाती थी। एक छोटा सा बुक स्टॉल जो पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था, उसमें रखी हुई किताबें भी पुराने ज़माने की होती थी और उस स्टॉल को चलाने वाला इंसान कोई बुजुर्ग आदमी होता था। इसलिए जब कोई किताब बिना इजाज़त के वहाँ से उठा लेती थी तो वो बुजुर्ग इंसान कुछ सवाल भी पूछता नहीं था। कभी कभार कुछ किताबें खरीद भी लेती थी। उस बुक स्टॉल के एक कोने में मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस विषय वाली मोटी मोटी किताबें भी होती थी, जिस पर मेरी नज़र तो जाती थी पर कभी उन्हें छुआ तक नहीं। उन किताबों के नाम देखकर अंदाज़ा लग जाता था कि वे स्टोरी नरेशन वाली किताबें होंगी, जिसे नॉवेल्स और उपन्यास भी कहते हैं। पर मेरी एक आदत है, जब भी मैं कोई चीज़ देखती हूँ तो उसे अपने दिमाग के किसी कोने में कैद भी कर लेती हूँ, पर वो मेरी मनपसंद चीज़ होनी चाहिए। नहीं तो आप सोचेंगे अनामिका की स्मरण शक्ति बड़ी कमाल की है। कभी कभी जिंदगी के किसी पड़ाव पर वो कैद की हुई बातें और छवियाँ कुछ इस कदर जुड़ जाती हैं कि उसकी व्याख्या सिर्फ कोई दूसरा लेखक ही समझ सकता है। जिन किताबों पर मेरी नज़र पड़ी उनके शीर्षक पर सिर्फ एक नाम था, वेद प्रकाश शर्मा। अब उस वक्त जब मैंने वो किताबें देखी तो मुझे लगा कि कोई होगा आम लेखक। मैंने बहुत कम उपन्यास पढ़े हैं, मुंशी प्रेमचंद को छोड़कर शायद ही किसी अन्य लेखक की कहानियाँ पढ़ी होंगी, क्योंकि मेरा झुकाव हमेशा से इतिहास पर रहा है। मानव इतिहास, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, वास्तु विज्ञान जैसे विषयों पर मेरी प्राथमिकता है। इनके अलावा चरित्रवाचन भी कर लेती हूँ, पर उपन्यास से हमेशा दूर रहती हूँ। जब मैंने वेद प्रकाश शर्मा की किताब देखी तो इस नाम को हमेशा के लिए अपने जहन में कैद कर लिया, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए शीर्षक बड़े आकर्षक थे। 10 साल गुजर गए, वो ट्रेन का सफर और पढ़ाई के दिन भूतकाल के बक्से में बंद हो गए। एक दिन मैंने अपनी माताजी से पूछा कि आपके ज़माने में मोबाइल या इंटरनेट होता नहीं था तो मनोरंजन के लिए आप क्या पढ़ती थी? तो उन्होंने तुरंत गुलशन नंदा, ओम प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश शर्मा जैसे मान्यवरों का नाम लिया। उनमें से गुलशन नंदा का नाम मुझे पता था क्योंकि उनकी किताबों पर कई सारे फिल्में भी बन चुकी थी। बाकी तीन लेखकों के नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर माताजी ने बताया कि इनको आम इंसान मत समझना, एक ज़माना ऐसा था जब उनके उपन्यास को खरीदने के लिए लोग लाइन में खड़े होते थे और जब किताबें खत्म होती थी तो एडवांस बुकिंग भी होती थी। हजारों लाखों किताबें एक दिन में बिक जाती थी। इसमें मनोहर कहानियां भी कुछ पीछे नहीं थी। चंपक और मायापुरी मैगजीन, मोटू पतलू और चाचा चौधरी जैसे मनोरंजक किरदार उस जमाने में मशहूर थे। बातें तो बहुत लंबे समय तक चली, पर इस बातचीत में मेरा ध्यान वेद प्रकाश शर्मा पर ज्यादा केंद्रित हो गया, क्योंकि ये नाम सुनकर मुझे A.H. व्हीलर बुक स्टॉल याद आने लगा।
उसी बुक स्टॉल में मैंने वेद प्रकाश शर्मा की ढेर सारी उपन्यास देखी थी, इसलिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सोचा कि कुछ किताबें खरीदूंगी, पर दुर्भाग्य से मुझे उनकी किताबें कहीं मिली नहीं। कुछ लोग थे जो उनकी किताबें कुछ ज़्यादा कीमत पर बेचने को तैयार थे। 80 और 90 के दशक में छपी उन किताबों का मूल्य 20-30 रुपये या इससे अधिक होता था। और मुझे ये भी याद है कि जब मैंने वो किताबें 2012 में AH व्हीलर बुक स्टॉल में देखी, तब वो बूढ़ा व्यक्ति उन किताबों को 90 के दशक के भाव पर 20 या 30 रुपये में बेच रहा था। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन किताबों को नहीं खरीद कर बहुत बड़ी गलती की थी। अगर 10-15 किताबें खरीदी होती तो ये एक सौभाग्य की बात होती, मुझे वेद प्रकाश शर्मा की कहानियों को समझने का अवसर मिलता। पर दुर्भाग्य से ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने दर्शकों को वेद प्रकाश शर्मा के जीवन से रूबरू करवाऊं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दर्शक आज भी उन्हें भूले नहीं होंगे। जिस वक्त वेद प्रकाश शर्मा ने लिखना शुरू किया, तब पहले से ही बहुत सारे उपन्यासकारों ने अपनी जगह मजबूत कर ली थी। आश्चर्य की बात थी कि वेद प्रकाश शर्मा सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके परिवार में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वेद प्रकाश शर्मा आगे चलकर महान उपन्यासकार बनेंगे। वैसे तो यूपी के प्रसिद्ध शहर मेरठ से बहुत सारे प्रतिभावान लोग संबंध रखते हैं, उनमें से ही एक वेद प्रकाश शर्मा है। उनका जन्म बिहारा गांव में 10 जून 1955 को हुआ था। एक बहन और 7 भाइयों में से वे सबसे छोटे थे। हालांकि आर्थिक परिस्थिति के कारण 7 भाइयों में से वे और दूसरे भाई जीवित रह पाए, पर समय के मलम ने इस गांव को भी भर दिया और ये छोटा परिवार अपनी खुशियों में जीने लगा। वेद प्रकाश शर्मा सबसे छोटे होने के कारण नटखट भी थे, पर साल 1966 में उनके खुशहाल परिवार पर भारी संकट आ गया। बड़े भाई की मौत हुई और उसी साल इतनी बारिश हुई कि किराए का मकान टूट गया। इसके बाद गैंगरीन नामक भयंकर बीमारी की वजह से पिता का एक पांव काटना पड़ा। इस कारण से घर की हालत बिगड़ने लगी। इस स्थिति में माँ ने बड़ी जिम्मेदारी उठाई। जब भी परिवार पर संकट आता है तो वो स्त्री होती है जो उस संकट का डट कर सामना करती है। पर यहाँ हालात ऐसे थे कि वेद प्रकाश शर्मा की माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चों को पढ़ाती रही। ये देखकर वेद प्रकाश शर्मा के मामा जी ने माँ से कहा, तू किन चक्करों में पड़ी है, तू इन लड़कों को किसी हलवाई की दुकान पर भेज, वहाँ कमाएंगे तो 2 पैसे लाएंगे तो परिवार चलेगा। इस पर माताजी गुस्सा हुई और जवाब दिया, ये मेरा परिवार है, मैं देख लूँगी, मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और मैं काम करूँगी। आज तक को दिए एक इंटरव्यू के दौरान वेद प्रकाश शर्मा ने अपनी माँ की तुलना मदर इंडिया फिल्म की अभिनेत्री नरगिस से की थी। उस जमाने में ओम प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा और इब्ने शफी की किताबें पढ़कर वेद प्रकाश शर्मा दिन गुजारते थे। वे पढ़ाई लिखाई में भी इतने आगे नहीं थे, पर उपन्यास पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से था। 1971 में अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने सबसे पहले कहानी लिखी पेनों की जेल, जिसे स्कूल के मैगजीन में प्रकाशित किया गया। इसके अगले साल तो उन्होंने कमाल कर दिया, मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने एक उपन्यास लिख डाली जिसे उन्होंने अपने पिता को दिखाया। उपन्यास देखकर पिता को बड़ा क्रोध आया और वे उन्हें मारने लगे। माँ ने वजह पूछी, तब पिता ने कहा कि अगर ये सिर्फ लिखता रहेगा तो कमाएगा कैसे। पिता क्रोधित जरूर हुए, पर कहीं ना कहीं उन्हें अपने बेटे की कला पर गर्व महसूस होने लगा। इसलिए अगले ही दिन वे बेटे को लेकर पब्लिकेशन कंपनी लक्ष्मी पॉकेट बुक्स में आए। यहाँ आकर वेद प्रकाश शर्मा की किस्मत पलट गई। उस कंपनी के मालिक जंग बहादुर वहाँ आए। मिश्रीलाल शर्मा ने अपने बेटे द्वारा लिखी गई उपन्यास एक जगह रखी थी, वहाँ से जंग बहादुर ने उसे उठा लिया। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद उन्होंने मिश्रीलाल शर्मा से कहा, बहुत अच्छा लिखा है, मैं इसे पूरा पढ़कर लौटा दूंगा।
तीन चार घंटे बीतने के बाद जंग बहादुर उस उपन्यास को लेकर मिश्रीलाल शर्मा के पास दोबारा आ गए। जब उन्हें पता चला कि इस उपन्यास के लेखक मिश्रीलाल शर्मा के बेटे वेद प्रकाश शर्मा है, तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि ये उपन्यास अभी तक छपी नहीं है तो इसे मैं नहीं पढ़ता। बेशक जंग बहादुर को वो उपन्यास पसंद आ गई। उन्होंने वेद प्रकाश शर्मा को अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें 100 रुपये देते हुए बोलने लगे, और लिख, मैं तुझे हर नॉवेल के 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये देखकर वेद प्रकाश शर्मा बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि एक लेखक को क्या चाहिए, पैसे भी मिलेंगे और नाम के साथ फोटो भी छपेगी। पर जंग बहादुर ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। रुक रुक, फोटो वोटो कुछ नहीं, सिर्फ 100 रुपये मिलेगा, नाम भी किसी और का छपेगा। ये सुनकर वेद प्रकाश शर्मा नाखुश हुए और घर लौट आए। घर आकर वे सोचने लगे। थोड़ा विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने जंग बहादुर को उपन्यास छापने की इजाजत दे दी। तो इस तरह दिसंबर 1972 में उनका पहला उपन्यास सीक्रेट फाइल वेद प्रकाश काम्बोज के नाम पर छपा। सीक्रेट फाइल के वजह से लोगों को नई शैली का लेखन पसंद आने लगा। फिर अन्य पब्लिकेशन कंपनी ने उनका असली नाम छापना शुरू किया, पर फोटो कोई छापना नहीं चाहता था। बड़े तेजी के साथ वेद प्रकाश शर्मा मशहूर होने लगे, इसलिए उनका फोटो भी उपन्यास पर छपने लगा। उनके द्वारा रचा गया उपन्यास हजारों की संख्या में बिकने लगा। तब उन्होंने खुद का पब्लिकेशन हाउस तुलसी पॉकेट बुक्स खोला। अपने जीवन में 176 नॉवेल्स लिखने वाले वेद प्रकाश शर्मा की सबसे मशहूर नॉवेल वर्दी वाला गुंडा है, जिसकी 15 लाख कॉपीज की बिक्री हुई, जो भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अभी तक किसी भी नॉवेल ने इतना बड़ा आंकड़ा पार किया नहीं है, और शायद ही यह रिकॉर्ड कभी टूटेगा, क्योंकि वेद प्रकाश शर्मा ऐसे उपन्यासकार हैं जो किताबों के जमाने के आखिरी कड़ी का हिस्सा थे। उनके बाद दूसरा उपन्यासकार आया ही नहीं जो क्राइम और थ्रिलर को इतनी आसान भाषा में लिख सके। उनकी प्रसिद्धि की बात करें तो उनके उपन्यास पर 4 बॉलीवुड फिल्में बन चुकी है। बहू मांगे इंसाफ इस उपन्यास पर बहू की आवाज फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। उसके बाद अनाम फिल्म 1992 में बनी। इसके अलावा अक्षय कुमार की 2 सुपरहिट फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास पर आधारित है। बस इतना ही नहीं, उनके द्वारा बनाया गया कैरेक्टर केशव पंडित इस पैमाने पर प्रसिद्ध था कि 2010 में खुद एकता कपूर ने केशव पंडित नामक टीवी सीरियल भी बनाया। एकता कपूर वेद प्रकाश से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हें मुंबई आकर बसने को कहा, पर वेद प्रकाश शर्मा अपना प्यारा शहर मेरठ छोड़ना नहीं चाहते थे। वेद प्रकाश शर्मा की पत्नी मधु जी और उनके 4 बच्चे शगुन, करिश्मा, गरिमा और खुशबू बताते हैं कि एकता कपूर उन्हें मुंबई में एक फ्लैट भी दे रही थी, जिसे लेने से उन्होंने मना कर दिया। वेद प्रकाश शर्मा अपने जीवन के आखिरी सांस तक लिखते रहे। कैंसर ने उन्हें जकड़ दिया और 17 फरवरी 2021 को उनका देहांत हो गया। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।